हेलो गाइस, वेलकम। तो आज हम बात करेंगे आईबी एसईओ 2017 के रीजनिंग सेक्शन के आंसर्स के बारे में। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिक्वायर्ड टू मेक द गिवन फिगर। अभी देखिए, इस फिगर में वर्टिकली टोटल लाइन है 5, हॉरिजॉन्टली है 4 एंड बाकी इंक्लाइंड लाइंस है 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड आपका टोटल लाइन हो गया 17। ओके, आपका आंसर होगा नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स बेस्ट डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप अमंग क्रिमिनल्स, थीप्स एंड जजेस। अभी देखिए, जितने भी चोर है वो सारे क्रिमिनल है और जजेस एक अलग फिगर है, तो फिर यहाँ पे आपका आंसर होगा नंबर बी। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे देखिए, छोटा छोटा करके 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी छोटा छोटा करके 8। अभी देखिए, ये एक छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा, 2, और इस साइड में भी 2, यानी 4 हो गया। अभी इस रेक्टेंगल पे ध्यान दीजिए, इसको अगर आप डिवाइड करते तो 1 2, और इस लाइन के बराबर अगर आप डिवाइड करते तो 1 2, यानी यहाँ पे भी हो गया आपका 4। ओके, अभी ये अलग अलग करके 1 2 3 एंड 4, ये भी हो गया आपका 4। अभी बड़े ट्राइंगल को अगर आप डिवाइड करें 1 2, और इस साइड में भी 1 2, यानी 4, तो फिर आपका टोटल आंसर हो जाएगा 24। ओके, ऑफ द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स बोथ ऑफ विच कैन नॉट बी ट्रू बट बोथ कैन ऑल्सो बी फॉल्स, तो ये दो स्टेटमेंट कौन सा है। अभी देखिए, नंबर 1 और 3 पे देखिए, 1 पे बोला गया है ऑल मशीन्स मेक नॉइस एंड नंबर 3 पे बोला गया है नो मशीन मेक्स नॉइस, तो ये दोनों पूरी तरह से ऑपोजिट है, तो ये दोनों एक साथ कभी सच नहीं हो सकते, और अगर एक हिसाब से अगर देखें तो दोनों ही झूठ है। ओके, एंड आपका आंसर होगा नंबर सी, यानी 1 एंड 3। इंसर्ट अरिथमेटिकल साइंस इन द इक्वेशन फॉर इट टू बी करेक्ट। अभी देखिए, 8 और 4, इन दोनों के बीच में अगर आप प्लस बैठाए, और 4 एंड 2, इन दोनों के बीच में अगर आप मल्टीप्लाई बैठाए, तो आपका हो जाएगा 8 प्लस 8, यानी 16, एंड आपका आंसर होगा नंबर ए। अभी देखिए, इसमें पूछा है 84 मल्टीप्लाइड बाई 13 इक्वल टू 8, तो इसका रूल है 8 एंड 4 को अगर आप जोड़ दे तो 12, -3 एंड 4 को अगर आप जोड़ दे तो 4, यानी आपका आ जाएगा 8। इसी तरह से यहाँ पे 10 -4 यानी 6, और इसी तरह से यहाँ पे 8 -2 यानी 6, तो फिर यहाँ पे आपका होगा 11 -4 यानी 7, यानी आपका आंसर होगा नंबर सी। अभी देखिए, यहाँ पे बोला गया है प्लस मीन्स डिवाइड, ऐसे करके बोला गया है, तो इसको अगर आप बैठा है तो यहाँ पे होगा 9 डिवाइडेड बाई 3, और ये डिवीजन का सिंबल है, यहाँ पे ये रॉन्ग प्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे ये होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे होगा प्लस, यहाँ पे होगा माइनस, तो इसको अगर आप करें तो आपका आंसर आ जाएगा 18, यानी आपका आंसर होगा नंबर सी। फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। अभी देखिए, यहाँ पे 1 है, ठीक है, और अभी 8 और 4 के ऊपर ध्यान दीजिए, यहाँ पे है 2 क्यू, उसके बाद 2 स्क्वायर, उसके बाद 3 क्यू, उसके बाद 3 स्क्वायर, उसके बाद 4 क्यू होगा, यानी आपका आंसर होगा नंबर 64, यानी सी। डेविड डिवाइड 78 बाई हाफ एंड एड्स 11, व्हाट नंबर ही गेट्स एट द एंड। अभी 78 को अगर आप हाफ से डिवाइड करें तो आपका आ जाएगा 156 प्लस 11, यानी आपको हो जाएगा 167, यानी नंबर सी। इन ए नॉकआउट फुटबॉल कॉम्पिटिशन 23 टीम्स पार्टिसिपेटेड, व्हाट वॉज द लीस्ट नंबर ऑफ मैचेस दे नीडेड टू प्ले टू डिसाइड द विनर। अभी देखिए, टोटल टीम है 23, और हमें विनर सिलेक्ट करने के लिए कितने टोटल गेम खेलने पड़ेंगे। ओके, तो अभी देखिए, पहले आप 22 टीम के अंदर अगर गेम खेले तो 11 टीम नॉकआउट हो जाएंगे और बचे रहेंगे 11 प्लस 1, यानी 12। अभी इस 12 के बीच अगर आप 6 गेम खेले तो आपका 6 नॉकआउट हो जाएंगे और बचे रहेंगे 6। 6 के अंदर अगर आप 3 गेम खेले तो 3 बचे रहेंगे और 3 नॉकआउट होंगे। ओके, तो अभी आपके पास बचे हुए हैं 3 टीम्स, तो 3 टीम्स में से विनर सेलेक्ट करने के लिए आपको टोटल 2 गेम खेलने पड़ेंगे। ओके, यानी आपका आंसर हो जाएगा 11 प्लस 6 17 9 20 एंड 2 22, यानी नंबर सी होगा आपका आंसर। ओके, एट 5:30 इन द इवनिंग द स्मॉलर एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड्स ऑफ द क्लॉक इज। तो अभी देखिए, 5:30 जब बजते हैं तो मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड्स के बीच में जो गैप रहता है वो रहता है 2.5 मिनट का, 2.5 मिनट्स का। ओके, और 1 मिनट के लिए होता है 6 डिग्री, तो 2.5 मिनट के लिए होंगे 15 डिग्री, यानी आपका आंसर हो जाएगा नंबर सी।
फिल इन द ब्लैंक्स। अभी देखिए ये बीएससी का सीरीज है, यहाँ पे पहले सी बैठेगा, बीएससी, उसके बाद बीएससी, सी बैठेगा, उसके बाद बीएससी दिया हुआ है, उसके बाद एससी दिया हुआ है, यहाँ पे बी बैठेगा और यहाँ पे ए बैठेगा, यानी बीएससी 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 करके सीरीज होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा सीसीबीए, यानी नंबर सी। एंगल्स ऑफ गिवन ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:4, व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल इज द गिवन ट्राइंगल। तो यहाँ पे जो एंगल है वो होंगे 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 80 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा एक्यूट एंगल, यानी नंबर डी। अभी देखिए 64 पे, द हाउसेस ऑफ ए एंड बी फेस ईच अदर ऑन ए रोड गोइंग नॉर्थ साउथ। अगर ये आपका नॉर्थ साउथ रोड है और ये है आपका ए का घर और ये है बी का घर, ये दोनों फेस किए हुए हैं एक दूसरे की तरफ। ओके, अभी बोला गया है ए कम्स आउट ऑफ हिज हाउस टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स 5 किमी। तो ये 5 किमी गया, अभी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 5 किमी टू द फ्रंट ऑफ डीज हाउस। अभी यहाँ से ये 5 किमी गया तो यहाँ पे डी के हाउस के पास वो पहुँच गया। तो ये भी आपका 5, ये भी आपका 5। अभी यहाँ पे बोला है बी डज एग्जैक्टली द सेम एंड रीचेज द फ्रंट ऑफ सीज हाउस। अभी बी भी यहाँ से लेफ्ट की तरफ गया 5 किलोमीटर एंड उसके बाद राइट गया 5 किलोमीटर इधर, तो वो पहुँच गया सी के घर। ओके, तो यहाँ पे आपका पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अभी देखिए पहले में बोला गया है सी एंड डी लिव इन द सेम स्ट्रीट, सी एंड डी अलग स्ट्रीट पे रहते हैं, यानी ये आपका रॉन्ग है। बी पे देखिए सीज हाउस फेसेस साउथ, सी का जो हाउस है वो ईस्ट की तरफ फेस किए हुए है, यानी ये भी गलत है। अभी देखिए हाउसेस ऑफ सी एंड डी आर लेस देन 20 किमी अपार्ट। अभी देखिए डी का हाउस है यहाँ पे और सी का है यहाँ पे, इन दोनों के डिस्टेंस के यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 किलोमीटर और यहाँ पे अगर आप देखें तो 10, तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा 10² + 5² इसका रूट, यानी ये 20 से कम है। तो फिर आपका आंसर होगा नंबर सी। अभी देखिए यहाँ पे मिसिंग टर्म बोला है, तो देखिए बी से डी 2 ज्यादा है, ई से जी 2 ज्यादा है, एच से जे 2 ज्यादा है। ओके, तो इसके बाद अगर आप 2-2 करके ज्यादा कर दे तो डी से 2 ज्यादा यानी आपका हो जाएगा एफ, उसके बाद जी से 2 ज्यादा यानी आई और जे से 2 ज्यादा यानी एल। और यहाँ पे भी इसी रूल का फॉलो हुआ है, ई से 2 ज्यादा जी, उसके बाद 2 आई, इसी तरह से ये भी हुआ है। ओके, यानी आपका आंसर होगा एफ आई एल, यानी डी। 66 पे देखिए, तो ये क्वेश्चन जो है एच और भी इन दोनों का पोजिशन को अगर आप जोड़े तो आपका आएगा 30, वैसे जी एंड टी इसको अगर आप जोड़े तो आपका आएगा 27, एफ एंड आर इसको अगर आप जोड़े तो आपका आएगा 24 और ई एंड पी इसको अगर आप जोड़े तो आपका आएगा 21, यानी ये 3 करके डिक्रीज हो रहा है। तो फिर जो आपका आंसर आएगा उसका मान होगा 18। तो यहाँ पे देखिए डी और एन, डी का 4 एंड एन का 14, इन दोनों को अगर आप जोड़ दें तो आपका 18 आ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर बी। अभी 67 पे देखिए, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से ट्रैप है, इसका कोई आंसर नहीं निकला। अगर आप किसी को ये इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताएंगे जरूर। ओके, अभी 68 पे देखिए, टूर इज रिटन एस 1234 ऐसे करके लिखा हुआ है और आपको पूछा है कि क्यार का कोड क्या होगा। तो यहाँ से सी को अगर आप देखें क्लियर से तो सी का कोड होगा 5, यानी पहले 5 आएगा, 5 दोनों जगहों पे है। अभी ए का अगर आप कोड निकाले तो ए का कोड है 8, यानी 58, तो फिर आपका आंसर निकल गया नंबर डी। अभी 69 पे देखिए, कैलेंडर इज कोडेड एस CLANADER। अभी यहाँ पे देखिए पहला जो लेटर है वो ठीक है, उसके बाद 2 जो लेटर है वो घूम गया है। ओके, उसके बाद के जो 2 लेटर है वो भी घूम गए हैं। ओके, और लास्ट में जो 3 लेटर है उनमें से जो बीच का जो है वो पहले आ गए। तो इसी तरह से सर्कुलर का आंसर क्या होगा, सर्कुलर का आंसर होगा सी, आई और आर को अगर घुमा दे तो आर एंड आई, उसके बाद सी और यू को अगर आप घुमा दे तो यू एंड सी, और उसके बाद एल ए आर, ए को पहले ले आइए और एल और आर, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नंबर बी। ओके, 70 पे देखिए, ए पे बोला गया है आइदर ही इज हैप्पी और ही इज पुअर, और बी पे बोला गया ही इज हैप्पी, तो रिजल्ट जो निकला है वो है ही इज पुअर, तो ये सही है या गलत है। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया है या तो वो खुश होगा या वो गरीब होगा, और सेकंड पे जब बोल ही दिया है कि वो खुश है तो फिर गरीब होने की कोई चांस ही नहीं है,
यानी ये जो बोला गया है ही स्कोर, ये पूरी तरह से गलत है, यानी आपका आंसर होगा नंबर बी। 71 पे देखिए, दोज हु आर ऑनेस्ट आर गुड टीचर्स, यानी जो ईमानदार होते हैं वो अच्छे टीचर होते हैं, ओके। और सेकंड पे बोला गया है हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑनेस्ट, जो लोग मेहनत करते हैं वो ईमानदार होते हैं। अभी देखिए यहाँ पे बोला गया है जो ईमानदार होते हैं वो गुड टीचर्स होते हैं, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि जो भी गुड टीचर्स होते हैं वो ईमानदार है, ओके। और इसको अगर आप डायग्राम बनाएं तो आपका आएगा क्या, दोज हु आर ऑनेस्ट आर गुड टीचर्स, यानी अगर ये गुड टीचर्स है आपका तो ये जो ऑनेस्ट है इसके अंदर, ओके। अभी बोला गया है हार्ड वर्किंग पीपल आर ऑनेस्ट, यानी जो भी हार्ड वर्क करते हैं वो ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन जितने भी ऑनेस्ट होते हैं वो सारे हार्ड वर्किंग नहीं होते, ओके। यानी हार्ड वर्किंग इसके अंदर होगा। अभी देखिए आपका जो रिजल्ट दिया हुआ है उस पर बोला गया है कि हार्ड वर्क इज द नेसेसरी क्वालिटी ऑफ ए गुड टीचर। अभी देखिए हार्ड वर्क के बिना भी गुड टीचर है और ऑनेस्टी के बिना भी गुड टीचर है, ठीक है। और हार्ड गुड टीचर के अंदर भी हार्ड वर्क भी है और ऑनेस्टी भी है, एंड आपका आंसर होगा नंबर सी, द इन्फरेंस इज प्रोबेबली फॉल्स और ट्रू, ओके। 72 पे देखिए, ओनली जेंटलमैन कैन बिकम मेंबर्स ऑफ द क्लब, क्लब के जितने भी मेंबर है वो सारे जेंटलमैन है, ओके। और मेनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द क्लब आर ऑफिसर्स, तो जितने भी मेंबर है उनमें से बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, यानी जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे जेंटलमैन हैं, ओके। अभी बोला गया है सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, अभी डिनर के लिए कुछ ऑफिसर्स को बुलाया गया है। तो नंबर ए पे देखिए, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लब हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सम ऑफ द ऑफिसर्स हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, यानी ये आपका गलत है। नंबर बी पे देखिए, सम ऑफ द ऑफिसर्स आर नॉट जेंटलमैन, तो जितने भी ऑफिसर है वो सारे जेंटलमैन है, ये तो आपको पता ही है, तो फिर ये भी आपका रॉन्ग है। नंबर सी पे देखिए, ऑल जेंटलमैन आर मेंबर्स ऑफ द क्लब, तो क्लब के जितने भी मेंबर है वो सारे जेंटलमैन है, लेकिन जितने भी जेंटलमैन है वो सारे क्लब के मेंबर नहीं है, यानी ये भी आपका रॉन्ग है। नंबर डी पे देखिए, ओनली जेंटलमैन हैव बीन इनवाइटेड फॉर डिनर, तो डिनर के लिए जो लोगों को बुलाए गए वो सारे ऑफिसर्स हैं, और जितने भी ऑफिसर्स हैं वो सारे जेंटलमैन है, यानी जितने भी इनवाइटेड हुए वो सारे जेंटलमैन है, यानी आपका आंसर सही है नंबर डी। 73 पे देखिए, इन ए फैमिली देयर आर हस्बैंड वाइफ टू सन्स एंड टू डॉटर्स, अभी बोला गया है ऑल द लेडीज आर इनवाइटेड टू ए डिनर, बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले, हस्बैंड डिड नॉट रिटर्न होम फ्रॉम ऑफिस, हु वॉज एट होम। अभी देखिए सारे लड़कियाँ डिनर के लिए जा चुकी है, यानी टू डॉटर्स जा चुकी है एंड वाइफ भी जा चुकी है, बोथ सन्स वेंट आउट टू प्ले, यानी दोनों बेटा ही नहीं है घर पे, ओके। और हस्बैंड ऑफिस से घर नहीं आए, यानी हस्बैंड भी नहीं है, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा नंबर डी, यानी नो बडी वॉज एट होम। 74 पे देखिए, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है ए इज द सन ऑफ क्यू, क्यू का सन है ए, ओके। क्यू एंड वाई आर सिस्टर्स, तो क्यू एंड वाई ये दोनों सिस्टर है। उसके बाद बोला गया है जेड इज द मदर ऑफ वाई, तो वाई का माँ है जेड। और बोला गया है पी इज द सन ऑफ जेड, यानी जेड का सन है पी, ओके। यानी Q, Y और P ये तीनों ही भाई बहन हैं और इन तीनों का ही माँ है जेड, ओके। अभी बोला गया है इन स्टेटमेंट में से कौन सा सही है, पहले देखिए P इज मैटरनल अंकल ऑफ A, A का माँ है Q और Q का भाई है P, यानी P A का मैटरनल अंकल है, ये सही है, ओके। यानी आपका आंसर होगा नंबर A। 75 पे देखिए, देर आर फाइव बुक्स A, B, C, D, E प्लेस्ड ऑन अ टेबल इफ A इज प्लेस्ड बिलो E, अभी देखिए ई के नीचे है ए, ओके। सी इज प्लेस्ड अबव डी, इसको अभी आप छोड़ दीजिए, बी इज प्लेस्ड बिलो ए, यानी ए के नीचे है बी, ओके। अभी देखिए डी इज प्लेस्ड अबव ई, तो ई के ऊपर डी है, और अभी पिछले पे आइए, यानी सी इज अबव डी, तो डी के ऊपर सी है। अभी बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स टचेस द सर्फेस ऑफ द टेबल, तो टचेस द सर्फेस ऑफ द टेबल यानी जो सबसे नीचे है, यानी आपका आंसर होगा नंबर बी, यानी बी का बी, ओके। सो ओके, थैंक यू, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल पे जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।